प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7:37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। प्रियो, इन दिनों में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन 7 पदों का अध्ययन किया था, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को हमने देखा। और ऐसे में प्रियो, इस महामारी के दौरान जिस कठिन परिस्थिति में से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हमें शांति मिली, हमें सामर्थ्य मिला, हमें सांत्वना मिला, यह मेरा विश्वास है। प्रियो, जहां हमारे कई प्रिय हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं, महिमा में उन्होंने प्रवेश किया है, हमसे पहले प्रभु का चेहरा उन्होंने देखा है, ऐसे में हमारा मन व्याकुल है, चिंतित है, दुख है, परेशानी है, क्योंकि हमारे प्रिय अब हमारे बीच में नहीं है। इस शरीर में वह बाधा पीड़ा जरूर होता है, लेकिन विश्वासियों के संदर्भ में जो हमसे पहले सो गए हैं, जिन्होंने मृत्यु के उस द्वार को पार कर लिया है, उनके विषय में हमें पूरा आश्वासन है कि प्रभु जब आएंगे तो प्रभु के साथ वे भी आएंगे, और हम जो जीवित हैं हम उठा लिए जाएंगे और हम सभी मध्य आकाश में मिलेंगे। कितना सुंदर वह समय होगा, कितना सुंदर वह क्षण होगा। यह विनाशी देह अविनाशी को धारण करेगा और हम सदा प्रभु यीशु मसीह में महिमा में रहेंगे। कितना सुंदर यह आश्वासन है। लेकिन उनका क्या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया? उनके विषय में क्या जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करके वे मर गए? प्रियो, सुसमाचार सुना होगा, और जब उन्होंने सुसमाचार सुना और उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो उनकी अवस्था क्या होगी? कई बार मन में यह सवाल उठता है, उनका क्या जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना? प्रियो, रोमियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय में हमें स्पष्ट रीति से यह सीखने को मिलता है कि उनके मन में विवेक की व्यवस्था है। विवेक उन्हें पापी ठहराता है, और जब कोई मनुष्य पापी ठहराया जाए तो उसे उद्धारकर्ता की जरूरत है, तब उसकी पुकार को परमेश्वर सुनकर
उसके सामने सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का समाचार प्रकट करता है ताकि वह भी उद्धार पाए। प्रियो, जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना उनके लिए विवेक की व्यवस्था है जो उन्हें दोषी ठहराती है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि बिना प्रभु यीशु मसीह के वे मर गए हैं तो वे इस वक्त नरक में हैं। याद है ना, वह धनी जो लाजरस को अपने घर के द्वार पर देखकर रोटी के टुकड़े जो उसके मेज से गिरते थे लाजर के पास पहुंचाए जाते थे। वह धनी कहां था प्रियो? वह धनी नरक में था। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वे वही हैं। यह एक गंभीर चेतावनी है। लेकिन इन दिनों में हम जो व्याकुल हैं क्योंकि हमारे प्रियजन हमसे पहले प्रभु में प्रवेश किए हैं, तो ऐसे में फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय में से हम यह देख रहे थे कि हमारे विषय में क्या, जो हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह में क्यों बुला लिया गया, यह सवाल नहीं है। लेकिन आज इस महामारी के दौरान आप और मैं यहाँ पर क्यों रख छोड़े गए हैं, यह एक गंभीर सवाल है। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 21वें वचन से लेकर 25वें वचन तक जब हमने मनन किया, तो आइए प्रियो 21वें वचन को पढ़कर आगे का संदेश सुने। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका पहला अध्याय 21वां वचन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। इन वचनों में हमने देखा कि पौलुस किस तरह से एक मानसिक युद्ध में है। उसके सामने दो चुनाव है और वो नहीं समझ पा रहा है कि वह क्या करे। उसका मन तो करता है कि कूच करके प्रभु के पास जा रहे क्योंकि यह उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन पौलुस कहता है तुम्हारे लिए यह और भी आवश्यक है कि वह इस शरीर में रहे। हमने देखा प्रभु के पास रहना बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस देह में रहना दूसरे विश्वासियों के लिए और भी आवश्यक है। इन दोनों में से पौलुस किसे चुने, यह वह चुनाव नहीं कर पा रहा है। हम देखते हैं कि प्रभु के पास जाकर रहना यह तो हरेक विश्वासी का उत्तम अंत है, लेकिन जितने दिन प्रभु ने हमें इस देह में दिए हैं वह आवश्यक वस्तुओं के लिए है, अर्थात विश्वासियों के लिए हमारा यह जीवन और भी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 25वें वचन में हमने दो कारणों को देखा था। क्या थे वे कारण? 25वें वचन में, इसीलिए मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। एक विश्वासी का देह में रहना साथी विश्वासियों के लिए जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि सबसे पहले उसके जीवित रहने के द्वारा बाकी विश्वासी विश्वास में दृढ़ होते हैं। और दूसरा कारण, वे सभी विश्वासी इस विश्वासी के कारण आनंदित होते हैं। प्रियो, इन दिनों में हमारे जीवन के द्वारा हमारे साथी विश्वासी विश्वास में दृढ़ हो और विश्वास में आनंदित हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में हमने पहले दो विषयों का अध्ययन किया था कि कैसे विश्वासी हमारे जीवन के द्वारा विश्वास में दृढ़ और विश्वास में आनंदित हो सकते हैं। सबसे पहले हमने फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका उसके पहले अध्याय के 20वें वचन में देखा था कि पौलुस की एक हार्दिक लालसा है कि वह अपने देह में मसीह की बढ़ाई करे। देह में मसीह के बढ़ाई करने के द्वारा हम विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ और आनंदित कर सकते हैं।
दूसरा विषय जो हमने फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका दूसरे अध्याय के पांचवें वचन में देखा था वह यह था कि मसीह के स्वभाव को धारण करके मसीह का स्वभाव जो हम में होगा उसके द्वारा विश्वासी विश्वास में स्थिर और विश्वास में आनंदित होते हैं। आज जो समय हमारे पास है उसमें आगे के दो विषयों को हम देखेंगे। आइए प्रियो, फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका उसके तीसरे अध्याय के 20 और 21 वचन पढ़े। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का वहां से आने का बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीन हीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। पढ़े गए इस भाग में हम मसीह के आगमन के द्वारा या मसीह के आने के इंतजार के द्वारा हम साथी विश्वासियों को विश्वास में दृढ़ और विश्वास में आनंदित कर सकते हैं। पढ़े गए इस भाग में हम यह देख रहे हैं कि हरेक विश्वासी हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द आएगा और हमें ले जाएगा। ऐसे में प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, कैसे जो रहे हैं, हमारा प्रभु का इंतजार करना कैसा है? क्या हमारा इंतजार करना सचमुच में विश्वासियों को यह सिखाता है कि प्रभु जल्द आने वाला है, या फिर हम अपने जीवन के कार्यों में, अपने विचारों में, अपने चाल चलन में यह दिखाते ही नहीं हैं कि प्रभु जल्द आने वाला है? हम कैसे दिखाएंगे कि प्रभु जल्द आने वाला है? प्रियो, हमारे चाल चलन, हमारे मन के विचार, हमारी बोल चाल, ये सारी बातें जब पवित्र हों, जब पाप रहित हों, किसी के लिए ठोकर का कारण हमारा जीवन ना हो और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती हो, तो साथी विश्वासियों को यह पता चलता है कि हम प्रभु के आगमन का बाट जो रहे हैं। प्रियो, कहीं हम उस दास की तरह ना हो जो निश्चिंत होकर सो जाता है, अय्याशी करता है और अपने जीवन के, अपनी अभिलाषाओं के पूर्ति के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए अपना जीवन बिताता है, क्योंकि ऐसा जीवन जरूर ये बताता है कि विश्वासी प्रभु के आगमन का इंतजार नहीं कर रहा है। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें बयाने में दिया गया है और यही कारण है कि हम दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखते हुए उसके स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाएं। यदि हमारे जीवन में ठहराव है तो यह बताता है कि हम प्रभु के साथ अच्छा संबंध नहीं रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके आगमन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। पत्रस, यूहन्ना, यहूदा, पौलुस, इनके पत्रिकाओं में एक मुख्य संदेश यह था कि प्रभु का आना जल्द है, इसीलिए विश्वासियों तैयार हो जाओ। दूसरे पत्रस के तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पत्रस यह चेतावनी देता है कि उनके समान न बनो जो प्रभु के आगमन का ठट्टा उड़ाते हैं, कहते हैं कहां गया उसका प्रतिज्ञा कि उसने कहा था मैं जल्द आऊंगा। 2000 वर्ष बीत गए हैं, वो तो गया और ऐसा ही गया कि अब लौटकर आने का नाम ही नहीं लेता। प्रियो, इस तरह से लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, लेकिन पत्रस हमें यह आश्वासन देता है कि प्रभु धीरज धरता है, उसकी इच्छा है कि सभी का उद्धार हो। लेकिन जिस प्रकार नूह के दिनों में जहाज के बाहर जो अविश्वासी थे, जो अधर्मी पापी थे, उन्होंने नूह की बातों का विश्वास नहीं किया,
लेकिन जब वह न्याय का दिन आया, बारिश हुई, बाढ़ आया और प्रियो सभी प्राणियों का नाश हुआ। ऐसा ही प्रभु का दिन है। प्रभु कब आएगा हम नहीं जानते हैं, उसका कोई आगमन का दिन या तारीख प्रभु ने बताया नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें स्पष्ट रीति से कहा है, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रियो, प्रभु के आगमन का हम इंतजार करने वाले बने और हमारे इस इंतजार के द्वारा साथी विश्वासियों को विश्वास में स्थिरता और विश्वास में आनंद मिले। चौथे विषय की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका चौथे अध्याय के आठवें वचन को पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका के चौथे अध्याय के इस वचन का संदर्भ क्या है? हमारा विचार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहे। हम जो प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, अर्थात पापों से हमने छुटकारा पाया है। देखिए, मृत्यु के दो अर्थ हैं। पहला, एक पापी मनुष्य के लिए मृत्यु तो पाप की मजदूरी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उस कलवरी की क्रूस की मृत्यु आपके लिए मेरे लिए छुटकारे का दाम है, क्योंकि वह निर्दोष निष्कलंक मेमना है। हमारी मृत्यु पाप की मजदूरी है, लेकिन प्रभु की मृत्यु, ओ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वह हमारे लिए छुटकारे का दाम है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई को पाप और अपराध से छुड़ाने के लिए अपना प्राण भी देना चाहे, तो वह छुटकारे का दाम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं पापी हूं। और क्योंकि मैं पापी हूं, मेरे प्राणों के बलिदान के द्वारा कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह मृत्यु तो मेरे पाप की मजदूरी है। यही कारण है कि बलिदान के लिए एक निर्दोष का होना बहुत जरूरी है, एक निष्कलंक का होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह परखा गया। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के द्वारा, सदुकियों के द्वारा, महायाजकों के द्वारा, हेरोदियों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा, चेलों के द्वारा, शैतान के द्वारा हर रीति से परखा गया, लेकिन वह निष्पाप निकला, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, क्योंकि उसमें पाप का स्वभाव नहीं था। वह निर्दोष निष्कलंक जब आपके और मेरे पापों के बदले में अपने आप को बलिदान किया, तो उसकी मृत्यु हमारे लिए छुटकारे का दाम ठहरा। प्रियो, इस बात को हम याद रखें, हम पापी मनुष्यों की मृत्यु हमारे पाप की मजदूरी है, लेकिन उस पवित्र का बलिदान हमारे लिए छुटकारे का दाम ठहरा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में जो हमें यह अद्भुत उद्धार का जीवन मिला है, इस जीवन में हम अपने विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखें। हमारे विचार कैसे हों, मसीह में विचार हमारे कैसे हों? पहली बात जो हम पढ़ते हैं, जो जो बातें सत्य हो। झूठ पाप का फल है, सत्य पवित्रता का परिणाम है। प्रियो, जो व्यक्ति अधर्मी पापी है वह झूठ से प्रेम करेगा, लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का अर्थ समझा है वह सत्य से प्रेम करेगा। उसके विचार में सत्य होगा, उसके मुख से निकलने वाले शब्दों में सत्य होगा। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो जो बातें आदरणीय हो। आदरणीय अर्थात जो बातें
उच्च विचारों के हों, जो बातें उत्तम हों, दूसरी बात उचित है, अर्थात जो सही है, जो गलत है वो नहीं लेकिन जो सही है, परिस्थिति के अनुसार निकलने वाले शब्द नहीं लेकिन सत्य के आधार पर निकलने वाले उचित शब्द, पवित्र अर्थात पवित्र आत्मा के प्रेरणा से निकलने वाले मुख के वचन, शब्द सुहावने, टूटे हुए दिलों को, रोते हुए व्याकुल मनों को शांति देने वाले वचन विचार हमारे हों और मन भावनी, ऐसे ही वचनों का तलाश करने वाले हों। प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने एक उत्तम जिम्मेदारी हमें दी है, हमारे विचारों के द्वारा हमारे विश्वासी भाई बहन विश्वास में दृढ़ होते हैं और विश्वास में आनंदित होते हैं। प्रियो, हम जो यह जीवन इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं एक बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। चार विषयों में हमने हमारी जिम्मेदारियों को देखा। सबसे पहले अपने देह में मसीह का महिमा करना, मसीह की बढ़ाई करना। दूसरा, हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव हो। तीसरा, मसीह के आगमन का इंतजार हम करते रहें। चौथा और आखिरी, हमारे विचार मसीह में सुरक्षित हों। इन चार बातों के द्वारा फिलिपियों को लिखी गई पत्रिका से हम यह सीखते हैं कि हमारा मसीह में जीवित रहना साथी विश्वासियों को विश्वास में स्थिर करता है और विश्वास में आनंदित करता है। प्रियो, इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमें दी है इसे हम प्रभु यीशु मसीह में बड़े आनंद के साथ पूरी करें। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हम सभी को आशीषित करें। आमेन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, जीवन चल नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पोंडेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjal.tv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।